सत श्री अकाल जी। कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा नूं लैके ना एक बहुत ही भख्या होया मुद्दा जिहनूं कह सकदे आ कि बहुत सारा जिहदे ते डिबेट चल रही है और बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है वक्रे वक्रे लोगों वालों वक्रे वक्रे प्लेटफॉर्म्स ते वक्रे वक्रे एजेंट वालों कॉलेजेस वालों स्टूडेंट वालों कि किसी नूं भी एक्चुअली दे विच रियालिटी नहीं पता किसी नूं भी एक्चुअली दे विच ये नहीं पता कि फ्यूचर दे विच की रिजल्ट्स इस चीज़ के होणगे। वो मुद्दा हैगा वै क्यूबेक दे मॉन्ट्रियल दे ओ 10 कॉलेज जिहड़े टेंपरेरी सस्पेंशन दे अंडर क्यूबेक गवर्नमेंट ने पाए सीगे ओ 10 कॉलेजेस दी थोड़ी जी सच्चाई जान लईए और कित्थे एप्लीकेशन स्टक ने कित्थे स्टूडेंट दा पैसा फसया उहदे बारे छोटी जी गल करांगा कि स्टूडेंट ने उहनां कॉलेजेस दे विच एप्लीकेशन पाती जदों कॉलेजेस लिस्ट दे विच वी सीगे उहनां दे वीज़े भी आ रहे सी सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा सी फॉर सम रीजनस मिनिस्ट्री नूं लगा कि इन्हां कॉलेजेस दी जिहड़ियां प्रैक्टिसिज़ ने या जिहड़ी कंप्लायंस है वह अप टू डेट नहीं हैगी जिहदे करके 10 कॉलेज टैंपरेरी सस्पेंशन दे विच गए। टैंपरेरी सस्पेंशन दे विच जाण तों बाद इन्हां कॉलेजेस ने इस रूल नूं या इस मिनिस्ट्री दे ऑर्डर नूं कोर्ट दे विच चैलेंज कीता और कोर्ट दे विच चैलेंज करके एक स्टे ऑर्डर लै लिया कि भाई जदों तक साडा रिजल्ट नहीं आ जाता साड़ी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती और असी कसूरवार नहीं साबित हो जाते सानू इस टैंपरेरी सस्पेंशन दे विचों कढ़िया जाए। कॉलेजेस नू टैंपरेरी सस्पेंशन च स्टे मिल गया क्यूबेक मिनिस्ट्री ने उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन चालू करती जो कि अज भी चलती पई है। स्टूडेंट्स का की बनया स्टूडेंट्स के पैसे अज भी उन्हां कॉलेजेस दे विच स्टक ने और किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट तक नहीं आ रहा ना वीज़ा और ना ही रिफ्यूजल। जे मैं दसा कॉलेजों की गल कर ला तो 10 कॉलेजों जे ऑन एन एवरेज 500 बच्चे का भी पैसा स्टक है दैट मीनस पंजाब के स्टूडेंट्स का $50 मिलियन कैनेडा के इन्ह दसा कॉलेजों के स्टक है और यह पैसा कदों मिलना है किदा मिलना किन्ने पैसे कट के मिलना कोई जानकारी नहीं। कॉलेजेस ना गल कर लो कोई कॉलेजेस तैयार ने कि मैं $250 कट के मैं $500 कट के $1000 कट के पैसे मोड़ूंगा। कई कॉलेजेस का कहना उस स्टूडेंट को बार बार या एजेंट को बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो केस चलता पाया मेरी जी इन्वेस्टिगेशन चलती पी है मैं ये जित जाऊँगा तो फिर मेरा वापस सारा कुछ ठीक हो जूगा और तुहाडे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। कुछ कॉलेजेस ने ऑलरेडी एक्सैप्ट कर लिया कि इन्नी देर वेट नहीं की जा सकती और शायद वह वापस लिस्ट च ना आन क्योंकि अंदरूनी इन्फॉर्मेशन की है ये सिर्फ वो कॉलेजेस जानते हैं या मिनिस्ट्री जानती है। उन्होंने कॉलेजेस ने अपने ही स्टूडेंट लैके वक्रे वक्रे कैनेडा के कॉलेजेस दे विच पलटाने शुरू करते कि भाई साढ़ा 50 स्टूडेंट किसी होर कॉलेज दे दो 50 किसी होर च दे दो। मेल्स करती कॉलेजेस ने अपने एजेंट्स नूं कि ये 4 कॉलेजों असी टाईअप किया एजेंट टू एजेंट कॉलेज टाईअप होंदे देखे सी एजेंट टू एजेंट टाईअप होंदे देखे सी पहली बारी किसी कॉलेज ने अगों 4 कॉलेजों नाल टाईअप किया कि मैं अपने बच्चे तैनू दूंगा शायद कॉलेज नूं इहदे च कमीशन मिलनी है या पता नहीं की रीजनस ने सारी चीज़ के मगर स्टूडेंट की कन्फ्यूजन है क्योंकि स्टूडेंट का पैसा गया तुहाडा रिजल्ट रुकिया आ तुसीं उड़ीक रहे हो कि शायद कल मेरा वीज़ा आ जाए शायद परसों आ जाए बट असलीयत की है कि जदों तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती और उस कॉलेज के फेवर च नहीं आ जाती तुहाडा वीज़ा आने के चांसिस बिल्कुल एबसोल्यूटली जीरो है। अज स्टूडेंट पुछदा मैं करा की अपने डॉक्यूमेंट चक लो किसी भी उस कंसल्टेंट को चल जाओ जिहड़ा तुहानू किसी दूसरे कॉलेज के एडमिशन लै दूगा जिहड़ा ये गल नू एक्सैप्ट कर लूगा बच्चा वो उन्नी जल्दी अपना DLI नंबर चेंज करा लवे उन्नी जल्दी अपनी नवी LOA लैके ICCRC नू भेज देवे इमीग्रेशन के पोर्टल पर जाके अपलोड कर देवे तां जो जिहड़े कॉलेजेस के रिजल्ट आ रहे ने उन्हां कॉलेजेस दे विच तुसीं दाखला लैके अपना वीज़ा लै सको। इन्हां 10 कॉलेजों का की बनूगा शायद कल लिस्ट च वापस आ जाए शायद इन्हां दी परसों इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए शायद इन्हां दा होर महीने तक रिजल्ट आना शुरू हो जाए बट ये भी पॉसिबिलिटी हैगी है कि शायद ये केस हार जाए या अगले होर 6 महीने साल तक इस तरीके दे नाल चलता रहे। डिसीजन तुहाडा तुसी वेट करनी चाहते हो जरूर करो तुसी अपने डॉक्यूमेंट चुक के किसी होर कंसल्टेंट तो अपलाई करना चाहते हो साढ़े तो अपलाई करना चाहते हो जी सदके अपलाई करो पैसे तुहाडे फसे हुए है वीज़ा तुहाडा रुकया सो एंड डिसीजन तुसी लेना है तुसी सोचना है कि की करना है। शुक्रिया जी धन्यवाद।